वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के जंगलों में लगी आग की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। धामी ने कुमाऊं डिवीजन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए क्षेत्र में जंगल की आग को रोकने के प्रयासों की समीक्षा की और आग को रोकने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम धामी अहम के बैठक में मुख्यमंत्री दिल्ली से ही वीसी पर जुड़े। उन्होंने वन विभाग की कार्य योजना की समीक्षा की। देहरादून सचिवालय में शासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आइए सुनाते हैं वनाग्नि घटना पर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है, हर साल ये चुनौती होती है। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले एक हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा 10 मई को कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के और तेजी से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की भी समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग है, यातायात है, आवास है, पार्किंग है, पुलिस विभाग है, पेयजल है, सभी विभाग, परिवहन है जिनकी इसमें, पर्यटन विभाग है, जिन जिन की भी इसमें भूमिका रहती है सभी के जानकारियों के संबंध में आज जानकारी भी ली है और जो उसमें और आगे तैयारी करनी है या जो काम 10 तारीख तक शुरू समाप्त होने हैं उन सबको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ पेयजल, क्योंकि पहाड़ों में आजकल पेयजल की भी किल्लत होती है, कहीं पर टैंकर लगाने हैं, घोड़े खच्चरों से व्यवस्था करनी है, सड़कें खुदी हुई हैं, पाइप लीकेज हैं या जल संचय, जल संरक्षण दोनों, इस पर सभी पर भविष्य में और अच्छी रणनीति बनाकर एक विजन के अनुरूप काम करना है। उसके लिए भी आज जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो किए गए हैं। साथ में सड़कों की स्थिति भी ठीक हो, क्योंकि चार धाम यात्रा के साथ साथ पूरे देश दुनिया के लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में यात्रा सीजन होता है, पर्यटकों का भी सीजन होता है। सड़कें अच्छी हों उसके लिए अलग अलग सेक्टरों में बांट के जो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग, उसके अधिकारियों की अलग से जिम्मेदारियां भी बनाई गई हैं, जिम्मेदारियां तय करी गई हैं। आपदा प्रबंधन जो कि एक बड़ा विषय है और अतिवृष्टि है, भूस्खलन है, तमाम प्रकार की जो आपदाएं हमारे को हर साल जिनका सामना करना पड़ता है उसकी तैयारियों के लिए भी कहा है। साथ में पेयजल और बिजली दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए विभाग हैं। इस समय में बरसात के समय में सिल्ट आ जाने से, बालू आ जाने से बहुत सारे हमारे पावर हाउस बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके लिए तैयारियां और प्रॉपर इस गर्मी के सीजन में बिजली की व्यवस्था बनी रहे, उसको व्यवस्थित तरीके से चलाना है, उस पर चर्चा की है। और साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसके लिए हमें आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, तेजी से जो हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके लिए हमें किन किन चुनौतियां जो हमारे सामने आने वाली हैं उन सबके लिए हम तैयार हों। उसमें बिजली भी है, क्योंकि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के बाद बिजली की भी अत्यधिक मांग हमको होने वाली है। आने वाले समय में इंडस्ट्रियां बढ़ने वाली हैं, उद्योग धंधे बढ़ने वाले हैं, तो उस चुनौती के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं। साथ में सूर्य घर योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उत्तराखंड में हम रेन हार्वेस्टिंग, कैच द रेन और सूर्य घर योजना, सौर ऊर्जा, ये दोनों को हम अपने सरकारी कार्यालयों से भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत हो भी चुकी है और ज्यादा नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। सौर ऊर्जा के लिए
अतिरिक्त रूप से इस बार बजट में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का भी हमने प्रावधान किया है, जिससे कि आने वाले समय में जो बिजली की हमारी मांग है, बिजली की जो जरूरत है, एक बड़ी मांग हमारी सौर ऊर्जा से पूरी हो जाए। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं, तमाम जो हमारी जरूरतें हैं या चुनौतियां हैं या जिन जिन जो हमारे समय की जरूरत है, आने वाले समय में जो हमको करना है, उन सब पर ठीक से चर्चा की गई है।